हिसार के सेक्टर 16-17 में लगभग 3 बजे के आसपास झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग लगने से लगभग 20 झुग्गियां जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रशासन ने समय रहते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर 1 घंटे में काबू पा लिया गया। वहीं झुग्गियों में रहने वाले दशरथ ने बताया कि हमारी झुग्गी में सारा रखा सामान जल गया है, हमारे पैसे भी जलकर राख हो गए हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, ना हमारे पास खाने के लिए पैसे हैं और ना ही अनाज। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता आग कैसे लगी। झुग्गी में रहने वाली पार्वती ने बताया कि वे लॉकडाउन से अपने घर नहीं गए, अब हमारे पैसे भी जल गए हैं, अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। वहीं सिविल लाइन थाना SHO बलवंत सिंह जस्सू ने बताया कि हमें लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि झुग्गियों में आग लग गई है। हमने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाकर इस आग पर काबू पा लिया। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन झुग्गियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन को भी लिख कर देंगे कि इन गरीब झुग्गी वालों की आर्थिक मदद की जाए और इनके रहने और खाने का प्रबंध किया जाए। आपको बता दें कि सेक्टर 16-17 में लगभग 250 के करीब झुग्गियां हैं और काफी सालों से ये यहां पर रह रहे हैं, लेकिन आज अचानक आग लगने के कारण लगभग 20 के करीब झुग्गियां जल गई। आग तो जी हमारा तो काम पे गए थे, कोई तो हाथों कौन थी, ये बच्चे बच्चे रहे हैं, कोई से आना तो मेरे को पता ही कौन है। अभी इतने 1000 आदमी का पता, कोई घर रहता है कोई नहीं रहता है, सारे काम पे जावे हमारा तो। और ये पता नहीं है कि किस तरह आग लग गई है। ये झुग्गी तो 1000 झुग्गी से ऊपर ही है, पूरे प्लाट से तो ये 50 झुग्गी से ऊपर ही जल गई है। तो जान मान के तो जी कोई नहीं रखी आगे। सिलेंडर तो अब सबके खाना बनते थे जी, कोई बनाता है, हम तो नहीं बनाते हैं जी, हम बुरोदा से बनाते हैं, कोई रखते हैं तो 4-5 तो सिलेंडर फट गए जी। एक सिलेंडर भर निकला है साबत और सब फट। अब तो जी हम तो आए हैं, जब बच्चे रोते मिले हम तो अब साइड पे से भगाते आए, गिराते रहते आए, देखो जी हमें घुटना में लगे जीना पैसे गिरे बिल्कुल काम पे है। या हम लोग तो सुबह निकल गए थे काम पे, मेरे बच्चे थे सारे, मेरे बहनों के लड़के भी थे सभी, हम तो काम पे गए हुए थे। बता रहे हैं कि पीछे से किसी ने आग लगाई हुई है, बच्चे बता रहे हैं। यहाँ तो भैया पास में 17-18 झुग्गी थी, सारी जल गई। नुकसान तो भैया कुछ भी नहीं निकाल पाया, क्या सारा कुछ, हम तो 2 साल से गए नहीं, लॉकडाउन में भी यहीं पे थे, घर गए नहीं, जो कुछ था सारा कुछ जल गया, पैसे भी थे पैसे जल गए, कुछ निकाला ही नहीं खाने के लिए। बच्चे 2 साल से गए गांव नहीं गए जी, कुछ भी नहीं निकाल रखा, राशन पैसा सारा कुछ रखा था, पैसे भी रख रखे थे सर जी। मैं तो कैमरी गया था सर जी काम पर, अभी आया हूँ जैसे फोन करा, कुछ नहीं बचा जी सर जी। यहाँ कम से कम 20 झुग्गी थी, 20-25 जाने कब से नहीं है। यस जो दे आपके नुकसान तो हो गया, बहुत सघना हुआ मेरा जी। हम तो काम पे गए थे, हम तो फोन करा बच्चों ने जब आए हैं जी, पता नहीं पीछे से किसने आग लगाई, बच्चे बच गए जी, बस सामान सारा कुछ भर गया, कुछ नहीं है खाने पीने का साथ जी। हम बेरे ने काम पे गए थे सर, हम नौ बयान में लग रहे थे काम, 20-1 झुग्गी होगी जी, 20-22 झुग्गी, जो सर मिल जाए वो ही बहुत है, अपन खाने के लिए मिल जाए बहुत है। इस बारे में तो अभी तक कोई पता नहीं लगा कैसे आग लगी है, ये तो जांच का विषय है। परंतु जैसे ही सूचना मिली हमने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, मेरे मुंशी ने, और मेरे पास जैसे ही सूचना मिली मेरे सामने के जितने सारे फोर्थ क्लास लांगरी और आसपास के लोग, और फौरी तौर से 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई मौके पर, लोगों की मदद से और फायर ब्रिगेड की मदद से हमने इस आग पर तकरीबन 90% काबू पा लिया है। अभी तक कोई कैजुअलिटी का कोई सूचना है नहीं, ऐसा तो सुना है कि 1-2 सिलेंडर थे, वो शायद छोटे सिलेंडर वो शायद फट गए हों, अब कारण तो बाद में पता लगेगा, इन्वेस्टिगेशन का है। परंतु तकरीबन ये 100 के लगभग झुग्गी झोंपड़ी है, ये गरीब लोग रह रहे थे काफ़ी दिनों से, अपना गुजारा कर रहे थे, और इनका आजीविका का जो सामान था वो भी काफ़ी ख़त्म हो गया, काफ़ी नुकसान है इसका, जितना भी लॉस होगा जो भी है प्रशासन को इनका जो लिख के भेजा जाएगा, और जितनी मदद होगी प्रशासन से DC साहब से दिलवाई जाएगी। ना अभी कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है, और ये तकरीबन 1 घंटे में आग में काबू हो गया, ये तकरीबन 3 बजे 3:15 बजे सूचना मिली, और अभी आप देख ही रहे हो अभी ब्रीदिंग लास्ट है, आखिर में भी लग रहे हैं जवान, और कंट्रोल अंडर कंट्रोल है, सामान काफ़ी लॉस है, कैजुअलिटी नहीं है। थैंक ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।